श्रीमती सुनीता दुग्गल। धन्यवाद अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, मेरा आपके माध्यम से रेलवे मंत्री जी से ये आग्रह है कि सिरसा जिला जो है वो मुझे लगता है कि शायद पूरे हिंदुस्तान में ही सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ है। वहां पर बहुत सख्त जरूरत है, जहां पर कि हम यहां देखते हैं कि फरीदाबाद में, गुड़गांव में, सब जगह पर जो है वो मेट्रो चल रही है, जबकि हमारे वहां पर अभी तक जो है वो ठीक तरीके से रेलवे नहीं पहुंची है। 150 साल पुराना रेलवे स्टेशन है, लेकिन अभी तक भी बहुत माली हालत में है। तो हमारे सिरसा से ऐलनाबाद तक जो है वो ट्रेन चले, डब वाली, कालम वाली, रानियां। तो मैं ये चाहती हूँ कि अगर रेलवे डिपार्टमेंट वहां पर इंटरसिटी जो है वो अगर रेलवे का सिस्टम वहां पर शुरू कर देगा तो वहां पर लोगों को बहुत ज्यादा उसका फायदा मिलने वाला है। और इतना पुराना रेलवे स्टेशन होने के बाद भी जो है उसकी अभी तक थोड़ी देखभाल नहीं करेगी। आपके माध्यम से मैं रेलवे मंत्री जी से आग्रह करना चाहती हूँ कि थोड़ा सा अगर सिरसा जिले का वो ध्यान रख लेंगे तो जो पूरे हिंदुस्तान में सबसे पिछड़ा इलाका जो अभी तक है, किसी ने अभी तक उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया अभी तक। यहां से आप ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी का पहली बार वहां से सांसद बना, तो मेरी बहुत बड़ी जिम्मेवारी बन जाती है कि वहां पर एक छोटी रेल अगर आ गई ना जी, तो आप ये समझ लीजिए कि पूरे 5 साल तक जो है वहां पर कमल का फूल जो है, फिर 5 साल के बाद भी जो है वो कमल का फूल खिलने की पूरी पूरी उम्मीद है। अभी उखाड़ने को हो रहे हैं जी।